Please like and subscribe the channel. Hello, guys, welcome back. This is Raj Kamal. Uh, good morning to all of you, and uh, today I am continuing my uh, discussion series. Uh, today, I will discussion here uh, rest part of semiconductor Semi uh, diodes. सेमीकंडक्टर डायोड के चैप्टर देखूंगा दो शायद मैंने पहले कर रखा है तो इसमें जो क्वेश्चन कंसिस्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर चवालीस से लेकर आगे जो भी इसका एंड होगा आई होप कि सिक्सटी टू तक जाता है ये तो सिक्सटी टू तक है ये यानी चौवालीस से बासठ तक इसको मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ इसके बाद ये डायोड का चैप्टर जो है ये एक चैप्टर कम्प्लीट होगा डायोड का ओके हाँ एक बात और मैं इसमें बोलना चाह रहा था आपसे कि कई स्टूडेंट्स को इसमें जो है लिंक में इशू आ रहे हैं कहने का मतलब है जो गिवन है आपका ये जो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो इसमें कोई एक ही वीडियो देख पा रहे तो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो है आपको प्रॉपर लिंक में जाने पड़ेंगे लिंक है क्या इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का जो मोन मेन एक गोला सा बने दिखता होगा है इसमें इंजीनियर्स उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो खुलेंगे उसमें होम पेज होगा फिर आपके क्या होगे वीडियोज़ होंगे फिर प्ले होगा प्ले में आप जाइए और उसमें ए टेक्नीशियन के वीडियोज़ हैं उसमें साढ़े लगभग तीस पैंतीस वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं आसानी से हालांकि मैं कैसे इसको ओपन करते इसके लिए जरूर एक वीडियोज़ डालूँगा अभी और इसके साथ साथ इसके नीचे एक लिंक डाल दिया करूँगा जो मेन पेज तक आपको लिखे जाएगा ओके गाइस पहला क्वेश्चन है एक आदर्श आइडियल डायोड क्या होता है एक आइडियल डायोड के लिए क्या होना चाहिए तो सिंपल वे में जाइए आप आइडियल के लिए क्या कहता है कोई भी कोई आप मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर की गुण क्या होना चाहिए तो कोई कहता है कि इसमें लॉस क्या होना चाहिए एकदम जीरो क्योंकि हम इसमें इस क्या जब भी यूज़ करते हैं तो लॉस होता है उसी तरीके से किसी डायोड की कंडीशन में क्या होना चाहिए जब वो डायोड है तो कहते हैं हम क्या कि फॉरवर्ड बर्स में जब हम वोल्टेज सप्लाई करें ना तो ऐसा हो कि यहाँ से जो है यहाँ पे बीच में थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है यानी डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता बहुत ही कम होता और है और आइडियली बोलते हैं जीरो होता है आइडियली रजिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए और प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है वेरी लो रजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है वही नहीं होना चाहिए तो क्या होना क्वेश्चन एक तो क्या कह रहा है देखिए का फॉरवर्ड तथा रिवर्स दोनों दिशाओं में प्रतिरोध शून्य होना चाहिए ऐसा नहीं फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में अगर शून्य हो गया फिर तो इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं फिर तो ऐसा कंडक्टर ले लेते हैं इधर से भी चलता इधर से भी चलता लेकिन डायोड क्या होता है हमारा जो डायोड है उसका हम यूज़ ही करते हैं एज ए स्विच स्विच का ऑपरेशन के लिए एक बार अगर करेंट इधर से जा रहा है तो कोई इधर से अगर सप्लाई दे दे तो करंट नहीं जाएगा इसी ऑपरेशन के लिए हम डायोड का इस्तेमाल करते हैं यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है हमारा डायोड क्या होता है यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होते हैं तो क्या हुआ ये हो नहीं सकता बी क्या करेगा फॉरवर्ड बाइस में अनंत तथा रिवर्स बाइस में शून्य प्रतिरोध तो हो ही नहीं सकता फॉरवर्ड बाइस में हमारा जीरो प्रतिरोध होना चाहिए और रिवर्स बाइस में अनंत ये तो उल्टा बोल दिया नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्या फॉरवर्ड वाइज में शून्य प्रतिरोध एकदम शून्य होना चाहिए रिवर्स डायराज में अनंत यानी एक ही डायरेक्शन में काम करे फॉरवर्ड वाइज इसको बोलेंगे अगर यहाँ पे पॉजिटिव दे दूं मैं यहाँ पे नेगेटिव दूं तो इसको फॉरवर्ड वाइज बोलेंगे इस डायरेक्शन में कंडक्ट करे यानी फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस आइडियली क्या होना चाहिए जीरो और रिवर्स डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में करेंट नहीं जाए इसका मतलब रिवर्स डायरेक्शन का जो है रिवर्स डायरेक्शन का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट आइडियली तो हमारा राइट right आंसर क्या है सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में फोरविडन एनर्जी गैप क्या होता है तो आपको मैंने पहले ही सारा डिस्कशन हो रखा था ये होते हैं इनर्जी बैंड गैप देखिए एक होता है ये जो सेमीकंडक्टर के अंदर एक होते हैं वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड इनके बीच का जो गैप होता है यही कहलाता है कि आप फोरविडन गैप या इसी को एनर्जी बैंड गैप भी बोलते हैं तो फोरबीडन एनर्जी गैप कहाँ होता है तो इसके बीच में ये वाला दूरी होते हैं लेकिन इसको हम एक बोलते हैं और फर्मी लेवल भी इसके मध्य में होता है ना और फॉरबिटन एनर्जी गैप ये होता है दूरी और फोरबीटर एनर्जी का गैप ही होता है किसी सेमीकंडक्टर के लिए लगभग कितना वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये ध्यान में रखना है तो क्या होगा आंसर देखिए सेमीकंडक्टर कंडक्टर एनर्जी गैप वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड के मध्य होता है दूसरा है बैंड बैंड कंडक्शन के ऊपर होता है सदा शून्य होता है उपरुक्त में कोई नहीं तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के मध्य होता है हमेशा क्या होता है बीच में होते हैं सेमी कंडक्टर के फोरविडन एनर्जी गैप जिसका फोरविडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यही इंसुलेटर के लिए कितना होता है एनर्जी बैंड गैप पाँच इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसीलिए इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में काम नहीं करता लेकिन सेमीकंडक्टर में एक इनर्जी वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर, अगर, अगर सप्लाई देते तो काम करता यही अगर कोई बोले कंडक्टर के लिए तो कंडक्टर के लिए क्या होता है जीरो यानी आप इनर्जी देते हैं कंडक्ट करना शुरू कर देता नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी सिक्स कह रहा है पीएन जंक्शन को के उस भाग को जिसमें आवेशित आवेशित डोनर तथा स्वीकार्य आयंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं देखिए हम जानते हैं पी एन जंक्शन आप जब आप बनाते हैं तो ये देखिए पी एक जंक्शन एक एन जंक्शन तो आपको पता है पी एन जंक्शन में जब यहाँ पे होल्स होंगे मेजोरिटी में और इलेक्ट्रॉन्स होंगे न, एन साइड पे मेजोरिटी में तो इसके पास एक क्या होता है एक उदासीन एरिया बन जाता है जिसको डिप्रेशन लेयर कहते हैं यानी इसका इलेक्ट्रॉन्स इस बेरियर पे और इसका पॉजिटिव वाला होल्स इस बैरियर पे आके रुक जाता है यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बनने लगते हैं और यहाँ पे होल्स इस रीजन में इस रीजन में इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर इसी को क्या बोलते हैं डिप्लेशन रीजन यानी तो जब कहता है कि पीएन जंक्शन उस भाग को जिसमें आवेश डोनर तथा स्वीकार एक्सेप्टर आयन होते हैं वो कहाँ पे एक्टिव क्षेत्र पे ऐसा नहीं है पी क्षेत्र पे नहीं एन क्षेत्र पे नहीं ऐसा होता ही नहीं ये तो बीच में होता है डिप्लेशन लेयर यानी ये वाले लेयर में ये देखिए पी और एन के बीच वाले जंक्शन में यहाँ पे आता है इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर और इसी को तोड़ने के लिए जितना वोल्टेज दिया जाता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ओके तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा डी नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखिये जीना डायोड का प्रयोग किया जाता है जीना डायोड का प्रयोग किया जाता है आपको पता है नॉर्मल डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं जैसे तो ये इधर से कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बाइस में लेकिन अगर हम इसको हटा के स्विच इसका जो सप्लाई इधर पॉजिटिव इधर मैनेज कर दूँ तब सप्लाई लगाऊँ इसको तो इस डायरेक्शन में रिवर्स बाइस इस कहलाता है, है लेकिन करंट क्या होता है जीरो यानी नॉर्मल डायोड जो है एक ही डायरेक्शन में काम करता दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं करता तो ऐसे कंडीशन हम जीन डायोड जो बनाते हैं इसका मेन अप्लीकेशन है रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट करना और वोल्टेज को रेगुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जैसे किसी लोड को कंट्रोल करने के लिए जीनर डाइट का उपयोग करते हैं ये देखिए सिंबल भी इसका आसान होता है जेड जैसा दिखेगा इसके ऊपर जेड जैसा लगा दीजिए तो जीनर डायट का सिंबल बन जाता है ठीक है ना जेड फोर जीनर और जेड इस सिंबल के ऊपर लगाइए तो जीनर डायट बनते हैं अब देखिए यहाँ पे अगर वोल्टेज कोई बोलता है चार सौ वोल्ट को रेगुलेट कीजिए है ना अगर ये चार सौ वोल्टेज को तो जीनर डायोड भी हमने बना दिया है चार सौ तो ज़्यादा हो गया है तीन सौ वोल्ट कोई बोलता है कि रेगुलेट कीजिए तो जिनर डायोड भी हम बनाएंगे कि रिवर्स डायरेक्शन में तीन सौ वोल्ट तक नहीं टूटे यहाँ से जब सप्लाई आ रहा होगा तीन सौ वोल्ट तक नहीं टूटे लेकिन जैसे ही किसी कारणवश यहाँ से मान लीजिए बीस एम्पियर करेंट आ रहा था तो बीस इसको जा रहा था तीन सौ वोल्ट के लिए बीस एम्पियर लेकिन किसी कारणवश यहाँ का करेंट का मान बढ़ गया बाइस एम्पियर हो गया तो अब जब बाइस इधर से जाएगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा तो जिनर डायट क्या होता है उसी टाइम टूटता है और ये रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा टूटता है तो रिवर्स डायरेक्शन के एप्लीकेशन के लिए जिनर डायट का उपयोग करते हैं तो जब बाईस एम आया होगा तो बीस ही इधर जाएगा दो इधर से ब्रेक डाउन होते हुए क्या करता है जिनल डायर अपने से गुजार लेता है तो जीनर डायट का सबसे बड़ा अप्लीकेशन है दिमाग में रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है कि जीनर डाइट का एप्लीकेशन क्या है तो जीनर डाइट का एप्लीकेशन है कि ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन को रोकता है यानी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिनल डाइट का दूसरा ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करते हैं किस डायरेक्शन में रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये नॉर्मल डाइट जैसा बिहेव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहीं अप्लाई करते हैं तो क्या होता है नॉर्मल डायोड जैसा बिहेव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में इसको स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं ताकि ये क्या करे रिवर्स डायरेक्शन में भी कंडक्ट करे और ये उस टाइम वोल्टेज रेगुलेटर जैसा बिहेव करता है तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा आप ही दें इसका जवाब राइट आंसर क्या होगा जिन्होंने फॉरवर्ड वाइस में नहीं प्रयोग किया जाते क्योंकि फॉरवर्ड वाइस में नॉर्मल डाइस जैसा बिहेव करता है तो नॉर्मल डाइट का उपयोग करेंगे क्यों इसको चूज करेंगे शून्य बाइस के लिए ऐसा तो कुछ नहीं रिवर्स बाइस में जीनो डायड का उपयोग हम करते हैं जो बेस्ट होता है हमारे लिए फोर्टी सेवन के बाद फोर्टी एट ओके फोर्टी एट का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है किस डिवाइड डिवाइस में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर्स में होते हैं देखिए यहाँ पे वर्ड क्या जो बोला गया है किस डिवाइस किस सेमीकंडक्टर नहीं बोला गया है तो चीज़ों को समझिए किस डिवाइस तो डिवाइस में क्या क्या आते हैं हमारे डायोड एक डिवाइस है ट्रांजिस्टर हमारे डिवाइस हैं मॉसफेट आई ये सब डिवाइस होते हैं तो डिवाइस यहाँ पे कौन कौन दिया हुआ है एक तो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है और सेमीकंडक्टर के टाइप दिए हुए हैं तो डिवाइस तो हमारा क्या है देखिए ट्रांजिस्टर तो मैं क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ यहाँ पे एक्चुअली दी एन ट्रांजिस्टर जो होता है वो कैसा होता है पहले एन होगा फिर पी होगा फिर एन होगा ये बनते हैं बीजेटी जंक्शन ट्रांजिस्टर तो वही ट्रांजिस्टर का उपयोग एन पी एन और पी एन पी होते हैं तो देखिए एन पी एन मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी होल्स पी में होगा मेजोरिटी में और एन के अंदर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजोरिटी में तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या एन पी एन में ज्यादा है क्योंकि एक एन यहां भी है एक एन दो 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 एन है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या है यहाँ पर मेजोरिटी में और बहुत ज्यादा है लेकिन कोई कहेगा कह अक्सर हम सेमीकंडक्टर डिवाइस में भी पढ़ते हैं कि अगर कोई एन टाइप है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अत्यधिक होती है मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ कुछ इसके अंदर होल्स होते हैं जिसके कारण लीकेज करंट होता है कुछ कुछ होल्स होते हैं तो ठीक है आपके बात सही है कि अगर ये एन टाइप का कोई सेमी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मेजोरिटी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन ये सेमीकंडक्टर के टाइप अगर पूछते थे किस टाइप में पी टाइप में या एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होती है तो हम बोलते हैं एन टाइप में लेकिन यहाँ डिवाइस पूछा गया तो डिवाइस में एन पी एन डिवाइस में यानी एन पी एन टाइप का जो ट्रांजिस्टर होगा उसमें दो दो एन आ रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स यानी दो अलग अलग स्लॉट्स में होंगे एन पी एन तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इस ट्रांजिस्टर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी किस टाइप में एन पी एन एन में तो डिवाइस पूछा गया अगर किस टाइप के सेमीकंडक्टर पूछा जाता तो एन होता एन लेकिन है लेकिन डिवाइस जब पूछा गया तो एन, पी, एन ट्रांजिस्टर में होंगे तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है शुद्ध यानी जीरो केल्विन पर शुद्ध जर्मनियम व्यवहार करता है तो आपको पता है जीरो केल्विन यानी टेम्परेचर जब जीरो केल्विन पर चला जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर एक शुद्ध ऐसे भी कम कंडक्ट करता है और जीरो डिग्री पे हो तो और बिल्कुल नहीं तो यानी कैसा बिहेव करेगा ये कुछ चालक की तरह यानी ये एक नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा ओके नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी क्या कह रहा है इंट्रेंजिक सेमी पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन गति कर जाते हैं चीज़ों को देखिए इंट्रेंजिक क्या होता है शुद्ध इंट्रेंजिक मतलब शुद्ध सेमी कंडक्टर शुद्ध सेमी कंडक्टर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कंडक्शन बेंड की तरफ ये मूव करता है यानी शुद्ध सेमी कंडक्टर में विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो एक होता है क्या हमारा कंडक्शन बेंड और दूसरा होता है वैलेंस बैंड तो यहाँ पे जो है आप जब अप्लाई करते हैं विद्युत क्षेत्र तो ऐसे करने में इलेक्ट्रॉन्स की गति कहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन्स की गति कंडक्शन बैंड की तरफ हो जाती है कहाँ पे हो जाती है कंडक्शन बैंड में हो जाती है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिफ्टी वन फिफ्टी वन कह रहा है सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ाई जा सकती है सेमीकंडक्टर की चालकता कैसे बढ़ाते हैं जब हम इसमें डॉपिंग करते हैं आपको पता है प्योर सेमीकंडक्टर के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ चार चाहे वो सिलिकॉन का हो या जर्मनियम, वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स चार बाहरी सेल में क्या होता है चार तो ये क्या करता है ना तो अच्छे से कंडक्ट करता है ना ही किसी को यानी हम कह सकते हैं ना ही ना ही अच्छे से कंडक्ट करता है और ना ही अच्छे से क्या करता है रिसीव करता है तो हम कह सकते हैं इसमें चार है तो ये चार इलेक्ट्रॉन्स ना ही किसी को आसानी से देता है ना ही चार किसी से लेके ऑक्टल पूरा करता है आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरा करने के लिए आठ इसमें आठ होना चाहिए तो ना ही चार आसानी से किसी को देता है ना ही चाहे लेता है तो ऐसे कंडीशन हम इसके अंदर डॉपिंग करते हैं वही डॉपिंग अगर तीन इलेक्ट्रॉन डॉप कर दिए तो क्या हो गया ट्राई बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम डॉपलिंग के लिए तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे सात तो अब एक आसानी से ले लेगा किसी से और पांच अगर इसके अंदर हमने दे दिया तो हो गए पाँच चार नौ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए अब ये इस किसी को आसानी से एक दे सकता तो इसी में बनता जब हम तीन इसके अंदर देते हैं तीन इलेक्ट्रॉन इसको ड्रॉप करते हैं तो बचता है सात एक आस इसमें क्या हो खींचने की ताकत हो जाती है आसानी से तो जो इसी को बोलते हैं एसेप्टर इसी को क्या बोलते हैं एसेप्टर जब ट्राई हम किसी को देंगे यानी पहले चार था और तीन हमने इसमें डाला तो इसी को बोलते हैं ट्राइव हेलेंट डॉपिंग तो डॉपिंग करके इसकी कंडक्टिविटी क्या करते हैं बढ़ाते हैं और ये क्या कर बनेगा एसेप्टर ऐसे ही पाँच अगर डाल दिया जाए तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो ये किसी को डोनेट करेगा तो इसी को बोलेंगे क्या डोनर और इससे कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी किसी की सेमी कंडक्टिव बढ़ जाती है तो सेमी कंडक्टिव चारता बढ़ाई जा सकती है कैसे कैसे बढ़ा किसी शुद्ध किसी भी पदार्थ के परमाणुओं को मिलाकर किसी विशेष विशेष अशुद्धि परमाणु मिलाकर तो ये विशेष यानी विशेष क्या होता है क्योंकि हम जानते हैं अशुद्धियों के टाइप होते हैं बहुत सारा है जिसमें बागी एक ट्रिक है हमारा इस बुक के अंदर भी अवेलेबल होंगे तो कई ट्रिक हैं जैसे बिस्मत है आर्सेनिक है एल्यूमिनियम है गैलियम है ये सब मिला के आप क्या करते हैं अशुद्ध इम्प्योरिटी मिला के किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस को आप कंडक्टिविटी की ओर ले जाते हैं चार पहले से रहता है इसमें कुछ और अडॉप्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये क्या होता है आप कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी इसकी बढ़ जाती है तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे लिए क्या होगा बी यानी अशुद्धियाँ मिलाकर किसी सेमी कंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी को बढ़ाई जाती है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है सिक्सटी फिफ्टी टू फिफ्टी टू में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए के लिए जाने वाली अपमिश्रण डॉपिंग प्रक्रिया नहीं किया जाता है तो देखिए आर्सेनिक तो होता है एंटीमनी भी होता है फॉस्फोरस भी होते हैं तो इंडियम नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो है इंडियम नहीं होता ये आपको याद रखना है कि कौन कौन में कंडक्ट करता है कोई किस किस में कंडक्ट नहीं करता देखिए जो मेन है इसके लिए कंडक्ट करने के लिए एम्प्योरिटी जो एन टाइप का बनाते हैं एन टाइप का इम्प्योरिटी बनाने के लिए किस किस टाइप के सेमी कंडक्टर का अशुद्धि की जरूरत होती है जब एन टाइप आप बनाते हैं तो एन टाइप के बनाने के लिए आपको जो है फोस्फोरस चाहिए एंटीमनी चाहिए उसके बाद आर्सेनिक चाहिए और उसके बाद बिसमत चाहिए ये चार ट्रिक है जिसको हम कहते हैं आप इसको कह सकते हैं पी डबल ए पी पाप भी याद रख सकते हैं या इधर से अगर याद रखेंगे तो बाप भी आप याद रख सकते हैं है ना तो क्या क्या हो गया बाप की तरफ से याद बोले तो हमारा क्या हो गया बिस्मत आर्सेनिक एंटी मनी और फोसपर ये है अशुद्धियाँ जो चार अशुद्धियाँ मिला के हम क्या बनाते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाते हैं ओके अगर यहीं पर कोई कहता कि पी टाइप को बनाने के लिए पी टाइप को बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो पी टैप में कौन कौन सा यूज़ करते हैं तो पी टैप बनाने के लिए जो अशुद्धियाँ यूज़ करते हैं वो होते हैं बोरोन वो होते हैं एल्युमिनियम वो होते हैं गैलियम और एक और होता है इसमें इंडियम तो इसको याद करने का तरीका है बी ए जी आई बागी आप अगर याद रखें तो क्या क्या हो गया बोरोन एलुमिनियम गैलियम और इंडियम तो ये भी है जिससे क्या बनते हैं आपके पी टाइप बनते हैं लेकिन एक चीज और ध्यान रखने की भी जरूरत है एक, एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि जैसे पी बनेगा कैसे तो आप समझिए पी कैसे बनता है बाईस सेल में कितने सिलिकॉन या जर्मेनियम के एलिमेंट्स चार तो पी बनाने के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर जो डॉपिंग करते हैं वो तीन करते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप कर देते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप करने से कितना हो गया यहाँ पे टोटल सात ऑक्टल पूरा करने के लिए अब एक और इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेगा ये तो अब आठ पूरेगा इसका अगर ये ऑक्टल पूरा करने के लिए एक और बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसी को ना बोलेंगे असेप्टर इसी को क्या बोलेंगे असेप्टर और ये एक एक्सेप्ट किस चीज़ करेगा एसेप्टर और जो एसेप्टर होता है वही क्या बनते हैं पी टाइप का सेमी कंडक्टर जो एसेप्टर होते हैं वही क्या होता है पी टाइप का सेमी कंडक्टर और जब हम पाँच इसके बैलेंस में डालेंगे तो ये एक किसी को डोनेट करता है तो डोनर ही क्या कहलाता है एन टाइप का सेमी कंडक्टर डोनर क्या कहलाएगा एन टैप्टर का साम करें और चीज़ों को समझिए जब कोई एक्सेप्टर होगा तो बताइए वो किसी से एक रिसीव करेगा एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा इस पर चार्ज कैसा होगा एक एक रिसीव करेगा तो चार्ज नेगेटिव होगा लेकिन एन किसी को डोनेट अगर करता है तो डोनर पे चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप इसको ध्यान में रखें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री क्या कह रहा है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक चालक बनाने के लिए जाने वाला अपमिश्रण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है पी टाइप के लिए बोला जाए तो देखिए पी अभी हमने डिस्कस किया तो क्या होगा इसे कंडीशन में जब आप पी टाइप की कंडीशन में देखेंगे इंडियम नाइट्रोजन आर्सेनिक और फॉस्फोरस तो अपमिश्रण मतलब क्या होगा अपमिश्रण मतलब वो चीज़ें नहीं मिलाई जाने है ना अब अपने मतलब क्या हो गया वो चीज नहीं मिलाया जाना तो हम क्या नहीं मिलाते है? इंडियम नहीं मिलाते नाइट्रोजन मिलाते हैं फॉस्फ्रस मिलाते हैं आर्सेनिक भी मिलाते हैं ठीक है ना तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ए नेक्स्ट है डायोड का कार्य डैश के लिए के कार्य से मिलान किया जा सकता है तो डायोड एक चीज स्विचिंग ऑपरेशन है एक साइड इधर से कंडक्ट करता है तो समझेंगे ऑन इधर से कंडक्ट नहीं करता तो क्या समझे इसको ऑफ तो स्विचिंग ऑपरेशन के लिए होता है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्यूज नहीं हो सकता रिले नहीं हो सकता कुंडली नहीं हो सकता राइट आंसर क्या होगा एज अ स्विच पचपन नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है डायोड के आर पार विभांतर कहलाता है डायोड के आर पार विभांतर ये देखिए डायोड हमारा बना था पी टाइप का था और एन टाइप का था तो ये देखिए यही तो डिप्लेशन लेयर है है ना डिप्लेशन लेयर तो आर पार विभा कहलाता है अगर इसको पार जाना इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से मूव करके यहाँ जाना है तो ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से इधर मूव करता है तो करंट किधर जाएगा इसके उल्टा डायरेक्शन में तो इस बेरियर को तोड़ने के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा तो एक बेरियर पोटेंशियल बनता है इसको तोड़ने के लिए जितनी क्षमता का वोल्टेज चाहिए वही ना बेरियर पोटेंशियल कहलाएगा तो डायोड के आर पार पार्तर कहलाता है इसके आर पार जाने के लिए कौन सा वह कहलाएगा बेरियर पोटेंशियल इसी को क्या बोलते हैं उस बेरियर को तोड़ने के लिए जितना विभव चाहिए को क्या बोलते हैं बेरियर पोटेंशियल ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए कोई अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था में डस अर्धचालक तथा अपवित्र यानी डॉप्ट अवस्था में डस अर्धचालक कहलाता है देखिए कोई शुद्ध होगा तो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा और जब अशुद्ध बनता है तो एक अच्छा कंडक्टर बनने लायक बन जाता है वो तो जब कोई शुद्ध होता है तो उसको बोलते हैं शुद्ध कंडक्टर कुछ अशुद्धियाँ नहीं मिलाते तो बोलते हैं शुद्ध अगर अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं अशुद्ध तो अशुद्ध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक्सट्रिंजिक इसको क्या बोलेंगे एक्सट्रिंजिक और शुद्ध को इंट्रिंजिक इंट्रिंजिक मतलब शुद्ध तो कोई अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था में क्या कहलाएगा इंट्रिंजिक और यानी उसमें कोई यानी डॉपिंग करते हैं यानी कोई एलिमेंट उसके अंदर अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो क्या होगा क्रिस्टल कंपाउंड इंट्रेंजिक और एक्सट्रेंजिक और हमारा राइट आंसर होगा यानी सी हमारा क्या है राइट आंसर फिफ्टी सेवन देखिए क्या कह रहा है यदि कोई डायोड एक ही दिशा में उच्च प्रतिरोध तथा विपरीत दिशा में दिशा में निम्न प्रतिरोधाता है तो उसकी कार्य दक्षता है तो यहाँ देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता हो कि उच्च प्रतियुक्त फॉरवर्ड वाइस में बोल रहा है और रिवर्स वाइस में निम्न ऐसा नहीं है कोई एक दिशा कोई भी एक दिशा में क्या बोल रहा है उच्च प्रति मान ली इस दिशा से हम मान रहे हैं तो इसका प्रतियुद्ध क्या उच्च बहुत इन्फाइनाइट मान लेते हैं और उसके विपरीत दिशा में मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन मानते हैं विपरीत दिशा उसको मैं क्या मानते हैं इधर से तो इस डायरेक्शन में उसका रेजिस्टेंस क्या है जीरो ठीक है तो ये कैसा बिहेव करेगा एज ए डायोड अच्छा डायोड है फिर तो अगर शून्य प्रतिरोध हो जाए कोई ऐसा डायोड हो जिसको इसको तोड़ने के लिए कम ही जीरो वोल्ट मान लो एक बो, जीरो पॉइंट एक वोल्ट पे भी टूट जाए तो ये अच्छा डायोड होगा लेकिन हम सिलिकॉन के लिए जानते हैं कितना पे टूटता है जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए कितने वोल्ट पर टूटता है इसका बेडियर प्रोटेन जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट तो इतना वोल्टेज तोड़ने क्यों पड़ा क्योंकि यहाँ पर इसको एक जंक्शन डिप्लेशन लेयर बनता है उसको तोड़ना पड़ता है और याद रखने के लिए सिलिकन का सेवन एस फोर सिलिकन एस फोर सेवन एस फोर सिलिकन एस फोर सेवन तो इस तरीके से याद रखें तो जर्मेनियम में फिर कितना हो जाएगा थ्री वोल्ट तो हमारा ये अच्छा डायोड होगा है ना तो एक बेहतर डायोड होगा जिसका प्रतिरोध फॉरवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल नेगलिजिबल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या कि जर्मेनियम डायोड की अपेक्षा सिलिकन डायोड जर्मेनियम डायोड की अपेक्षा सिलिकन डायोड का जो है क्या होता है जर्मेनियम डायोड, डायोड की अपेक्षा सिलिकॉन डायोड की वरीयता प्रदान की जाती है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता देखिए जर्मनियम हम हमेशा मोस्टली जो, जो डाइट प्रिफर करते हैं सिलिकन का करते हैं जर्मनियम का कम क्योंकि इसका भी चीज़ देखिए सिलिकन कितने पे ब्रेक डाउन करेगा जीरो पॉइंट सेवन पे और जर्मनियम जीरो पॉइंट थ्री वोल्ट पे और चीज़ें क्या है कि ये सिलिकॉन जो है टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने पर कम सेंसिटिव होता है लेकिन जर्मेनियम में थोड़ा बहुत की टेम्परेचर अगर वेरिएशन करें तो ये सेंसिटिव ज़्यादा होता है तो हम ऐसे डायोड का यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए टेम्परेचर का मान ऊपर नीचे भी होता रहे तो वो क्या करे उस चीज़ को बर्दाश्त कर सके उस टेम्परेचर को और जर्मेनियम क्या करता उतना नहीं बर्दाश्त करता तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सिलिकन का उपयोग करते हैं इसकी प्रतियोगि तो ऑप्शन में देखिए क्या है इसकी प्रतियोगिता रेजिस्टिविटी निम्न होती नहीं इस चीज़ के लिए नहीं इसका बैरियर विभव उच्च होता है बैरियर विभव उच्च होता है जर्मनीम की अपेक्षा सिलिकॉन का बरियता दिया जाते उच्च होता है ठीक है ये एक ऑप्शन है लेकिन हम इसके लिए इसको प्रेफरेंस नहीं देते प्रीफ्रेंस किस चीज़ के लिए देते हैं अगर इसमें देखिए ऑप्शन कट चुका है तो प्रीफ्रेंस किस चीज़ के लिए देंगे प्रीफ्रेंस इसलिए देंगे कि ये टेम्परेचर को सहता है ये क्या करता है तापमान को तापमान को क्या करता है सहता है तो तापमान सुग्राहु नहीं होता तापमान को सह लेता है तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा तापमान सुग्राही नहीं होने के कारण इसको हम क्या करते हैं प्रीफर करते हैं तो इसमें कटा हुआ है तो हमारा इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा यह तापमान पर डिपेंड करेगा यानी तापमान सुग्राहु कम होते हैं इसलिए हम सिलिकन का उपयोग करते हैं तो ये हमारा राइट आंसर होगा जो इन दोनों में नहीं है कट गया किसी कारण से वो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन क्या कहता है वह अधिकतम विपरीत वोल्टेज जो कोई डायोड सह सकता है क्या कहलाता है आप ही देखिए हमने बताया था आपसे कि ये डायोड है कोई और फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आपको पता है ये तो काम ही करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कंडक्ट करता है काम कर गया तब तो इसमें कठिन वोल्टेज बोलते हैं जिस वोल्टेज पे वो टूट जाता है इसका बैरियर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जैसे जीरोमिनियम का होगा तो जीरो पॉइंट सेवन पर टूटेगा इसको कठिन वोल्टेज बोलते हैं लेकिन विपरीत वोल्टेज में कोई डायोड की देखिए सहने की क्षमता होती है विपरीत आपने वोल्टेज लगाया ठीक है यहाँ से कंडक्ट नहीं करा लेकिन एक अमाउंट इतना होगा कि वोल्टेज आप बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तब ये डायोड टूट जाता है उसके बाद डायोड खराब भी हो जाएगा लेकिन टूट तो जाता है लेकिन वो किस मान तक सहता है तो देखिए मान लीजिए ये डायोड आपने यहाँ से एक वोल्ट से शुरू किया बढ़ाना बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, बढ़ाते चले गए पाँच सौ वोल्ट पर एक लेट से एग्जाम्पल ले रहा हूँ पाँच सौ वोल्ट पर तो पाँच सौ वोल्ट पर जब ये टूट गया तो इसकी सहने की क्षमता इसका मतलब कितना है चार सौ निन्यानवे वोल्ट या चार सौ निन्यानवे पॉइंट पाँच वोल्ट तो जहाँ तक वो नहीं टूटा था जिस वोल्टेज रेटिंग तक ये नहीं टूटा था उसी को बोलते सहने रिवर्स डायरेक्शन में उसकी सहने की क्षमता उसी का नाम है पी आई वी इसी का नाम है पीक इनवर्स वोल्टेज पीक इनवर्स वोल्टेज पी आई वी इसी को कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन में किसी डायोड द्वारा अधिकतम वोल्टेज सहने की क्षमता को तो थ्री शॉर्ट वोल्टेज नहीं थ्री सॉल्ट वोल्टेज नहीं क्या कहलाता है ये हाँ इसी का नाम रिवर्स डायरेक्शन में जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं चीज़ों को देखिएगा तो रिवर्स डायरेक्शन वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा पीक इनवर्स वोल्टेज तो यानी इसी को हम क्या बोलेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज कट इन वोल्टेज तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है एवलांचे रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं एवलान्चे का कंडीशन तो है रिवर्स डायरेक्शन में और इसी को बोलते हैं हम एक थ्री सॉल्ट वोल्टेज भी होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था तो थ्री सॉल्ट वोल्टेज के रिगार्डिंग जो भी कंडीशन थे हमारे वो किस तरीके से थे यानी थ्रिस्ट वोल्टेज क्या था अगर थ्रिसल्ट वोल्टेज की हमने बात किया हुआ था तो थ्रिस्ट वोल्टेज में क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जो कटिन वोल्टेज था वही वो था हमारा क्या थ्रिस्ट वोल्टेज यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसको हमने नी वोल्टेज भी बोले थे उसी को हमने कट इन वोल्टेज बोले थे और उसी को बोले थे थ्री शॉर्ट वोल्टेज तो ये फोर डायरेक्शन का है तो ये भी इसलिए आंसर नहीं है कट इन वोल्टेज भी वही है और एक है एवलांचे तो एवलांचे पे क्या होता है एवलांचे ब्रेक डाउन तो उसको कहेंगे जहाँ पे वो क्या होता है रिवर्स डायरेक्शन में ब्रेक करता है तो ब्रेक करने वाली तो सहन शक्ति नहीं होती ना ये तो होता है किस पे चूँकि जहाँ तक तो वो सहता है सहने वाला वोल्टेज है तो सहने वाले वोल्टेज को हम बोलेंगे पी आई वी नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी डायोड को बाइपोलर युक्ति में रखा गया है सही बात है डायोड को बाइपोलर में युक्ति में रखते हैं इसका रीजन क्या होता है क्योंकि ये धनावत दोनों आवृत्ति करता नहीं ये तो इसका रीजन नहीं होता ये नहीं होगा नेक्स्ट क्या कह रहा है यह प्रकार प्रकार के अर्धचालकों से निर्मित होता है नहीं ये भी इसके लिए बेस्ट सुटेबल आंसर नहीं होगा अर्ध चालक से निर्मित होता है इसके लिए बाइपोलर नहीं करते इसमें धारा का संचालन होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स के दोनों द्वारा संपन्न होते हैं ये राइट आंसर है धारा का संचालन होल्स देखिए यहाँ पे पी बना और एन बना तो यहाँ पे होल्स हैं और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों के मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के संपन्न होने के कारण ये इधर जाता है तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिकम्बाइंड करता है तो यहाँ होल्स उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पे होश उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जहाँ अपना प्लेस छोड़ता है होश उत्पन्न हो जाते हैं इन दोनों की रिकम्बिनेशन यानी प्रोसेस से इसको हम बोलते हैं बायपोलर तो ये राइट आंसर हमारा क्या होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीनर डायोड में विपरीत ब्रेकडाउन पैदा करने के वाला सिद्धांत कहलाता है विपरीत ब्रेकडाउन क्या होता है जब इसको आप देखते हैं विपरीत ब्रेकडाउन तो यहां देखिए ये यह विपरीत ब्रेकडाउन है इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में डायोड ऐसे टूटता है फॉरवर्ड बाइस में रिवर्स बाइस में बहुत ज्यादा वोल्टेज पिया जाकर टूटता है तो ये जहां पर वोल्टेज टूटता है उसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन उसी को क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन इफेक्ट तो ब्रेकडाउन इफेक्ट हम कह सकते हैं लेकिन ये प्रभाव कोई प्रभाव नहीं कहलाता इस कंडीशन में जब आप जाते हैं तो इसका नाम जो है ब्रेकडाउन इफेक्ट हम नहीं बोलते ब्रेकडाउन करता है इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है ब्रेकडाउन करता है पर ब्रेकडाउन इफेक्ट इसको नहीं बोलते हैं इसका नाम अलग से दिया गया है जिसको हम बोलते हैं एवे इसी को बोलते हैं एवे लांचे ब्रेकडाउन डाउन एवे लानचे ब्रेकडाउन या एवेल्चे इफेक्ट बोलते हैं तो ब्रेकडाउन करने को ब्रेकडाउन प्रभाव नहीं बोलेंगे ब्रेकडाउन प्रभाव ब्रेकडाउन करता है ये नाम एक ब्रेकडाउन वोल्टेज हम इसको बोलते हैं पर ब्रेकडाउन इफेक्ट नहीं होता ये जो चीज़ें होती हैं जो रिवर्स डायरेक्शन में टूटती हैं इसका नाम दिया गया एवेलानचे इफेक्ट या एविलानच ब्रेकडाउन तो ये चीज़ें होंगी तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा ये होंगे हॉल इफेक्ट्स पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं सी बैग तो हमारा मटेरियल के अंदर लगता है ना वो सी बैग इफेक्ट तो अलग ही है और जिसके अंदर ब्रेकडाउन एक जो है पॉइंट है ब्रेकडाउन कोई प्रभाव नहीं होता ये ध्यान रहे ब्रेकडाउन से लगता है कि ब्रेकडाउन करके वही पॉइंट होगा इफेक्ट तो नहीं होता एवलाइंसि इफेक्ट के कारण इधर से बोलते हैं एवलाइंसि ब्रेकडाउन यहाँ पर ओके okay, नेक्स्ट दिया गया है दिए गए चित्र में दर्शाए गए जीनर डायोड का संकेत कौन सा होगा देखिए जीना डायोड नाम आपको जैसे ही आपसे कोई पूछता है तो डायोड के ऊपर क्या लगा दिए जेड ये देखिए जेड लगा कि नहीं तो जेड लगाती तो है जीना डायोड का सेम्बल है अब देखिए इसमें कौन सा सुटेबल है ये सुटेबल है क्या ये तो नॉर्मल डायोड है ये तो टनल डायोड है और ये क्या है जिनर डायोड ये क्या है जिनर डायोड यानी सिंबल कैसा लगा हुआ है जेड जैसा इसी को बोलते हैं जिनर और एक चीज और ध्यान रखें टनल डायोड को भी याद करने का तरीका ये टनल डायोड है क्यों क्योंकि डायोड के ऊपर क्या लगा दिया है टी देखिए तो टी कैसे बनाते हैं हम ऐसे और ऐसे इसको हमने किसी डायोड के ऊपर लगा दिया तो टनल डायोड का ये होता है ठीक है ना तो हमको यहाँ से जिनर पूछा है तो जिनर के लिए ऑप्शन क्या होगा बी ओके गाइस तो आज के लिए इतना ही और फिर जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ओके हैव अ नाइस डे थैंक यू फॉर वाचिंग एस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब